जैसी जैसी कोई नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि परी को सेक्रेटरी अपॉइंट करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मलिका, यहाँ मेरी सेक्रेटरी की बात हो रही है, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बच्चों की तुम जानना ही चाहती हो, परी के पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। ओह, ऐसी क्या स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए तुम्हारी सेक्रेटरी में? कोई भी समझदार लड़की ये काम कर सकती है। एग्जैक्टली, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। समझदार लड़की, इसीलिए तो परी क्वालिफाई नहीं करती। अरमान। यस सर, मिस जसमीत वालिया आई है आपसे मिलने। उन्हें अंदर भेजो। श्योर। तुम जसमीत वालिया हो? हाँ जी। तुम सेक्रेटरी बनोगी? मिस जसपाल, तुम सॉरी सॉरी तो तुम्हें होना ही चाहिए। ये क्या हो रहा है गुलमोहर हाउस? किस तरह के लोगों को ला रहे हो तुम सेक्रेटरी बनने के लिए? मलिका, थोड़ा सोच समझ के बोला करो, तुम तो कुछ भी। अरमान, ये कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे परी भी कोई ऑप्शन नहीं, समझे तुम? मिस वालिया, आप जरा प्लीज बाहर बाहर प्लीज प्लीज। मेरा ऑफिस चलाने की कोशिश मत करो। मां, इस लड़की को सेक्रेटरी रखोगे, इस चुहिया चश्मिश को देखोगे तो हंसी नहीं आएगी। सर, मैडम से शट अप। मनचंदा, मनचंदा तुम फौरन जाओ और परी को बुलाओ। जी। और मिस राजा को भी इंतजार करने को कहा। जी। मलिका, मुझे पता है कि मुझे कैसी सेक्रेटरी चाहिए। कैसी? अरमान, ऐसी चुहिया जैसी लड़की? कृपा करो बाबा जी, मेरी बच्ची के सब दुख मिटा दो। देखो जी, बहुत इंतजार हुआ, अब देर मत लगाना। पता नहीं इतनी देर क्यों कर रही है। तू दफ्तर चला जा बिल्लू, आधी छुट्टी लग गई तो और मुसीबत हो जाएगी। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं जी? अगर मैं कर रहा हूँ तो तू कर रही है? समझ तू बाबा की तस्वीर के सामने खड़ी हुई है। और सुनो, अगर उसकी नौकरी ना लगे तो सब चुप रहना, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक जैसे हो, हमेशा परेशान। अरे अपनी बेटी से सीखो कुछ, कितना सबर है उस बेचारी में। ओह प्लीज, ये एक फैशन हाउस है, यहाँ काम करने वाले लोग सुंदर और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मलिका, मुझे सेक्रेटरी चाहिए, मॉडल नहीं। मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। मलिका चाहती है मैं उसकी दोस्त को अपनी सेक्रेटरी बना दूं, ये क्या बात हुई? अंकल, परी यंग है, कॉन्फिडेंट है, खूबसूरत है, चेयरमैन की सेक्रेटरी बनने के काबिल है। यू नो व्हाट, आप खुद ही देख के डिसाइड कर लीजिए। तुम अंदर आओ। बेटा। गुड मॉर्निंग सर। देखा अंकल? देखना क्या है, दिमाग भी कोई चीज होती है। अब बेटा, ये आपके पेपर्स हैं? जी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट वेरी गुड। बेटा तुम तो ओवर क्वालिफाइड हो, इतना पढ़ के तुम सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हो? वही तो मैं भी कह रही हूँ अंकल। फैशन वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो? अपने फॉरेन ट्रेड प्रोजेक्ट के लिए मैंने फैशन इंडस्ट्री पर रिसर्च की थी और एक बिजनेस प्लान भी बनाया था। गुलमोहर हाउस और रितु फैशन थी ऐसी दो कंपनी है जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है। रितु फैशन 50 करोड़ और गुलमोहर हाउस 45 करोड़। अगर हमारे आपके एक्सपोर्ट 5% भी बढ़ गए तो हम रितु फैशन को ओवरटेक कर सकते हैं। जसमीत सर। जसमीत, तुम बाहर जाओ, इंतजार करो। अरमान, ये लड़की लाइब्रेरियन बन सकती है सेक्रेटरी में। शक्ल देखिए तुमने इसकी, सारे क्वालिफिकेशंस टूट के बिखर जाएंगे जब रोज रोज इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मॉर्निंग। आइए, दिखाओ।
सुनो, तुम दो तीन बैलेट और रेडी रखना, ओके? मनचंदा सर, मनचंदा। मैडम, मनचंदा सर कहाँ है? कभी अंदर कभी बाहर, हंगामा हो रहा है। हंगामा हो रहा है, समझ गया सर। कमी क्या होगी? वो हमारी कंपनी की इमेज में फिट नहीं होगी। परमनी जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। प्लीज आइए आइए। मिस्टर मनचंदा। हाँ जी परी जी। कल से ऑफिस का कचरा साफ नहीं हुआ है। आइए आइए, जल्दी जाइए। एक मिनट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय हाय परी। हेलो अंकल। हाय रमान। हाय परी। देखो अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। इसमें डिसाइड करने के लिए है ही क्या परी? तुम्हें पता है कि गुलमोहर का टर्नओवर कितना? नहीं, तुम्हें पता है? मुझे लगता है हम अपना वक्त सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। मैं फैसला अभी करा देती हूँ। मिस वालिया, अंदर आइए। कोई शक है डार्लिंग? नहीं ना, तो फैसला हो गया। मिस वालिया, आप जा सकती हैं। तुम भी जा सकती हो परी। जो भी डिसीजन होगा तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अरमान, मैंने अपनी दोस्त को उसकी इंसल्ट करवाने के लिए नहीं बुलाया। मलिका, तुमने अपनी बात कही, अब फैसला मैं करूंगा। फाइन, लेकिन तुम गलती कर रहे हो। आई एम वार्निंग यू। परी, परी, वेट। 7:30, बाय। व्हाट जग्गू, स्माइलिंग स्माइलिंग, ऊपर फुल्ली फाइटिंग फाइटिंग बॉस। किसमें? अरे अरमान सर में और मलिका मैडम में। कैसे? कौन बनेगा अरमान सर की सेक्रेटरी? वो मलिका की खूबसूरत सुंदर दोस्त या फिर वो चश्मिश? मैं मान ही नहीं सकती, एक झल्ली सी चश्मिश लड़की हमारे ऑफिस में सेक्रेटरी बन कर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी तो सेक्रेटरी हैं, अपना भी कुछ लेवल है यार। जैसे हर क्लास औरतों के साथ कोई ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता। मलिका मैडम कभी ये होने नहीं देगी, वो अपनी फ्रेंड को फिट कर देगी, देखना तुम। लेकिन अरमान चेयरमैन है, उसके ईगो जाग गया ना तो अपनी मन का ही करेगा। आई थिंक चश्मिश सिलेक्ट हो जाएगी। अरमान की सेक्रेटरी मतलब मेरा तो रोज का काम है ना, ज्यादा झकास निकली तब तो लफराज होगा। चेयरमैन की सेक्रेटरी उसके विजिटिंग कार्ड की तरह होती है, सुंदर यत स्टाइलिश। मैं ऑलवेज लुक फॉर ब्यूटी, वो सुंदर वाली ही जीतेगी, चाहे तो शर्त लगा लो। और मेरी तरफ से 250 रुपए सुंदर वाली पर। थैंक्स मलिका, थैंक्स फॉर ट्राइंग। मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तुम कहीं नहीं जाओगी मलिका, सीरियसली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं यहाँ होती तो वो थोड़ा डर के रहता, तेरा घर बसते हुए देख लेती। अभी तो तुम लोगों की शादी भी नहीं हुई है और अभी से उसे तुम्हारे ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। पर अरमान की सेक्रेटरी तुम ही बनोगी, ये बात मैंने तय कर ली। चेयरमैन अरमान है मैं, आधी कंपनी मेरी भी है। तो इस चूहिया का क्या होगा? बेचारी को तो घर वापस जाना ही पड़ेगा। चश्मे चुन्नी, मेरे 100 रुपए। चिट्ठी पर चश्मे चुन्नी, मैंने तो दे दिया ना चिट्ठी के लिए। चश्मे चुन्नी, चश्मे 50 चिकनी पे भैये, चिकनी के लिए। आधा आधा, अभी भी टाइम है, थोड़ा खेल लीजिए। क्या रेट चल रहा है? सेक्रेटरी बनी अगर चश्मे तो 1 का 3 मिलेगा, और अगर चिकनी बनी सेक्रेटरी तो 1 का 2 मिलेगा। तो फिर मेरा 50 परी। अरे मेरे को भी शेयर्स खरीदने का है। मॉम शेयर्स नहीं, शर्त, यू अंडरस्टैंड, शर्त। अरे वही तो, क्या भाव चल रहा है जग्गू?
चश्मे से देगी तो एक पे तीन मिलेगा, और अगर चिकनी से देगी तो एक पे डेढ़ मिलेगा। ठीक है, तो मेरा 300 चश्मे पे। तुम अभी तक नहीं गई? देखो यहां रुकने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। मनचंदा, मनचंदा। यस सर। परी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। थैंक यू। मनचंदा, इनके कॉन्ट्रैक्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। थैंक्स अरमान, थैंक यू। ए मिस वालिया, आप कहां जा रही हैं? आपको नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी? हाँ, चेयरमैन की सेक्रेटरी की। लेकिन वो तो अब से मेरी दो सेक्रेटरीज होंगी। मिस वालिया, आप कल सुबह ही ऑफिस आ जाइएगा, मुझे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। मैं 6 बजे आ जाऊँ सर। नौ बजे। थैंक यू सर। अरमान, थैंक यू अरमान, गॉड ब्लेस यू। इस बार तुमने एकदम राइट चॉइस किया है। थैंक यू वेरी मच। इस लड़की को देखना ही पड़ेगा, आते ही हमारी जेबी काट दी। तू जा बेटा, एक घंटे से कमरे में चक्कर लगा रहा है तू, तर घूमने लग गया। जा। अरे तू कहां थी इतनी देर? क्यों मिला था तेरे को? पता नहीं, इतनी देर वहां बिठाए रखा और कहने लगे। अरे क्या हुआ बता ना। जस्सी कहने लगे, कल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। मैंने कहा था ना बेटा, तुझे नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। खाम खा रिसेप्शनिस्ट और सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेशन देती रहती थी। अब मिल गई ना अच्छी नौकरी। क्या पोस्ट थी? अगर पापा जी को पता चल गया कि सेक्रेटरी की पोस्ट है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। असिस्टेंट टू द चेयरमैन। अरे वाह, इतना बड़ा नाम है। अरे पोस्ट भी बड़ी है बेबे, ऐसे ही थोड़ी इतने साल मैंने अपनी बेटी को पढ़वाया था। अब तू देखना बेटा, तेरे सारे काम यूं होंगे यूं। अरे ये ले, इसे पहन ले, नए दफ्तर जाएगी तो इसे खाली हाथ थोड़ी जाएगी तू। देख बेटा, अच्छी नौकरी मिली है, देख क्या करना। मुझे देख, 18 साल हो गए एक ही दफ्तर में काम करते हो। ये जो आजकल एक नौकरी छोड़ो दूसरी पकड़ो, भैया मैं तो चलता हूं। नमस्ते अंकल, नौकरी मिल गई? मेरी तो है, जस्सी को मिल गई। जस्सी! कांग्रेचुलेशंस। अरे जस्सी! जी पापा जी। लौटते पर जलेबी ले आऊं क्या? हाँ जी। अंकल जी मैं भी आ जाऊंगा शाम को। अरे रंदे, पहले आकर कभी यहाँ पर धक्का लगा, जब देखो तब खाने की लगी रहती है। अंकल जी अब आप इसको बेच दो ना। तो क्या खराबी है इसमें, अच्छा खासा तो है। तू दो धक्के लगाएगा और चल देगा चल। लेकिन अंकल जी वैसे पापा जी बहुत साल काम किया इस बेचारे ने, अब इसे रिटायर कर दीजिए और एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लीजिए। तो इसके बेचने की क्या जरूरत है? मैं रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन से गड्डी खरीद लूंगा। चल। नहीं नहीं, इतने देर रुकने की क्या जरूरत है, अब तो मैं भी कमाऊंगी। इसको बेच के पहले इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, बाकी के इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगी अपनी सैलरी से। तो,
चेयरमैन तू धक्का दे चल। पापा जी वो तो कल बनूंगी, आज धक्का। आई कार्ड में लगानी नई नई नौकरी है। ये जैसी सफल होगी वैसी पिक्चर खींचेंगे ना। क्यों तुम उस पर कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं दे सकते क्या? हाँ रेडी प्लीज माय। तेरा फोटो वाला भैया कितना खड़ूसता है। अच्छा दिखा ना। तू तो बिल्कुल डेमी मोरे लग रही प्यार क्या? आज मुझे अभी अभी उस लड़की से प्यार हो गया। कहाँ है वो? वो? तो मेरे साथ नौकरी मिली है। फैशन से भाई जस्मीन तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी होता ना मैं भी इसी कोई नौकरी देता। इंस्पिरेशन तो मिलवा दे प्लीज। अपनी शक्ल देखिए, ये देख कितने अच्छे हैं ना। अरे नहीं अभी नहीं, जब पहली सैलरी मिलेगी ना तब खरीदूंगी। कम से कम अच्छा तो लगना चाहिए इतने बड़े ऑफिस में। जस्सी बेवकूफ, मैं तो कहता हूँ तू पैसे बचा और अपने शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करा ले। क्या? सीरियसली तेरे पास अगर पैसे बचते हैं तो तू अपनी शक्ल बदल डाल। नहीं, जैसी हूँ ठीक हूँ। अपनी शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ है। सबकी अलग अलग सूरत होती है। मुझे ऐसी मिली है तो मैं खुश हूँ। सच इसे बदलना नहीं है मुझे, पैसा हो या ना हो। अगर उसने मुझे ये सूरत दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी ना। जस्सी मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मुझे पता, आज मुझे नौकरी मिली है। इतने बड़े फैशन हाउस के चेयरमैन ने मुझे सिलेक्ट किया। शक्ल देख के नहीं, अकल देख के। जस्सी पूरी दुनिया ऐसा नहीं सोचती। इस दुनिया में बहुत सारे उल्टे सीधे लोग भी हैं और लोग कुछ भी बोलते हैं। जब ऐसा होता है ना तब मैं वही याद करती हूँ जो हमेशा पापा जी कहते थे और उसे याद करके मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। क्या के जस्सी जैसी कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? मैं बात करूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हारा भाई इतने दिनों के बाद ऑफिस आया है और इसे इस तरह वेलकम किया जा रहा है? तुमने तो कहा था कि जब तक अरमान चेयरमैन है तुम यहाँ नहीं आओगे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि तुम्हारे यहाँ होते हुए हमारे फैमिली का इंटरेस्ट बिल्कुल सुरक्षित है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी यहाँ हूँ ना। तुम क्या कहना चाहती हो? इस ऑफिस में अब भी तुम्हारी कोई अथॉरिटी है? किसे बेवकूफ बना रही हो? मलिका सारा ऑफिस हंस रहा है कि अरमान ने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारे इतने कहने पर भी उसने एक बेढंगी सी लड़की को अपना सेक्रेटरी बनाया। यू हैव लॉस्ट मलिका, हार गई तुम। कौन हारा कौन जीता ये तो वक्त ही बताएगा आर्यन। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अरमान को परी को भी सेक्रेटरी बनाना पड़ा। अब देखते जाओ वो लड़की इतनी जल्दी यहाँ से गायब होगी कि कुछ ही दिनों में लोगों को उसकी शक्ल तक याद। कोई नहीं जैसी जैसी कोई नहीं।